जी हैं और ये महिषासुर वध। ये क्या है भैया? यक्षिणियाँ। कुछ लोगों ने से जे शेर है ऊपर रखा हुआ था। अच्छा, तोड़ने ये देखिए दोस्तों, ये शेर वहाँ से गिरा दिया था तो उसका पैर टूट गया। अच्छा अच्छा, हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। एंड आज हम जाने वाले हैं एक ऐसी जगह पे जो 9वीं सदी की बहुत ही प्राचीन है और बहुत ही एक ऐसी कलाकृति से बना हुआ है जो कि देखने लायक है। इन्हें बनवाया, सारी जानकारी देंगे हमारे इस ब्लॉग में, बने रहिए हमारे साथ। ये तो ट्रैफिक जाम लग गया यार। तो यार ट्रैफिक से तो निकल आए, काफी ट्रैफिक था है। तो निकल पड़े हैं भैया मंदिर की ओर। मौसम बहुत बढ़िया है, देखिए आप भाई रही है सूर्य, यानी ये सूर्य मंदिर नहीं, ये मौसम कर रही है। ये टीकमगढ़ का गेट, तो ये दोस्तों हम आने वाले हैं मड़खेड़ा सूर्य मंदिर के पास में, 6 किलोमीटर है। ये देखिए जो 3 किलोमीटर अंदर, 3 किलोमीटर अंदर, ठीक है भैया। तो देखिए दोस्तों कितना भव्य और शानदार ये मंदिर। तो दोस्तों हम आ चुके हैं सूर्य मंदिर के पास में, देखिए आप लोग सूर्य मंदिर कितना है शानदार और कितनी ही बेहतरीन नक्काशी है। पहले की कारीगरी कितना शानदार बना हुआ है, देवी देवताओं की नक्काशी बहुत ही शानदार। ये पीछे का भाग है। और दोस्तों बताएं आपको कि यहाँ पर जो पत्थर लगे हुए हैं इनको, इनके बीच में कोई भी ना क्या बोलते हैं, आज के समय में जो सीमेंट यूज़ करते हैं कोई भी सीमेंट नहीं यूज़ किया गया है और यहाँ पे सिर्फ इंटरलॉकिंग सिस्टम बनाया गया है। आप देखते हैं, देखिए आप यहाँ पे पूरा इंटरलॉकिंग सिस्टम है, यानी एक पत्थर को दूसरे पत्थर के ऊपर रखा गया है। कितना ही शानदार, कितना शानदार। कितना शानदार आर्किटेक्चर, बहुत ही विशाल।
सामने गर्भगृह। दोस्तों ये तकरीबन 9वीं शताब्दी का मंदिर है और ये गुर्जर प्रतिहारों द्वारा बनाया गया था। देखिए आप कितनी शानदार नक्काशी और कितनी बारीकी से नक्काशी की गई है। देखिए आप, लेकिन थोड़ा समय के अभाव से थोड़ा जर्जर होता जा रहा है। तो भैया बता रहे हैं, कुछ बता रहे हैं भैया, बताइए थोड़ा आप सूर्य मंदिर के बारे में। ये मंदिर यहाँ बहुत दिनों से बना हुआ है जी। कुछ लोगों ने से जो ये शेर है ऊपर रखा हुआ था। अच्छा, तोड़ने ये देखिए दोस्तों ये शेर वहाँ से गिरा दिया था तो उसका पैर टूट गया। अच्छा, इसको नीचे रखवा दिया गया। अच्छा जी भैया, हाँ तो ये शेर का पैर तोड़ दिए थे, ऊपर से गिराया था। अच्छा, ऊपर से गिर गया, ऊपर रखा, सबसे ऊपर रहता है वो, कभी सबसे लास्ट में रहा। अच्छा, ऊपर रखा हुआ। अच्छा, सबसे ऊपर रखा था। कुछ मतलब आज से करीब 10-12 साल पहले किसी ने पैसे की लालच में कुछ भी जो चक्कर में गिरा दिया था। अच्छा, तो ये अच्छा टूटा हुआ भाग ये रखा हुआ, उसका भाग टूट गया, पैर टूट गया। अच्छा, उसका कुछ दिन रखा रहा गाँव वालों का। अच्छा, ये टूट के टूट गया था, ये चटका हुआ है। अच्छा, ये भी टूटा ही हुआ है। तो देखिए दोस्तों, लालच की मंशा में लोग क्या क्या मंदिरों को क्या क्या नुकसान पहुंचाते हैं। ये सारे देवी देवताओं से रिलेटिव हैं। अच्छा अच्छा, गणेश जी, शंकर जी। अच्छा, आपको दुर्गा की है सामने मूर्ति बगल में, उसके नीचे बगल में गणेश जी की है, पीछे शंकर जी की है। चारों दिशाओं में शंकर जी के चतुर्मुखी का यहाँ वर्णन है। अच्छा, सूर्य मंदिर में। अच्छा अच्छा, मूल रूप से। अच्छा जी, हैं महिषासुर वध। ये क्या है भैया? यक्षिणियाँ, ये जो नीचे बने हुए हैं, ये गणेश जी की प्रतिमा। शंकर जी, शंकर जी कहाँ? अच्छा, ये शंकर जी है। हम लोगों को केवल देखने की देरी होती, हर चीज होती है। लेकिन काफी खंडित कर दिया है पूरा, ये पूरा देखिए। वो है ना, तो वो छत्ती टूट गई, देखो वहाँ कंघूरा है, कंघूरा।
तो दोस्तों आपने देखा यहाँ की पूरी कहानी। यहाँ पर भैया ने बताया कि कैसे ये खंडित किया गया है, कई हिस्सों को तोड़ा गया है। पहले ये जो शेर है ये पहले ऊपर शिखर पे हुआ करते थे, किसी ने तोड़ के नीचे गिराया था, इस वजह से ये यहाँ पर प्रस्थापित यानी स्थापित कर दिया गया। ये देखिए ये हिस्सा थोड़ा टूट गया था। ये पीछे मड़खेड़ा गांव, तो दोस्तों निकलते हैं। जय हो सूर्य भगवान की, जय हो सूर्य देवता की। चलते हैं वापस, जय हो सूर्य भगवान की। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कमेंट एंड शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को आनंदार, और दोस्तों में फैलाइए वीडियो को। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में। टेक केयर, बाय बाय, पीस आउट।